हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हाँ जी सर, ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो? आज तो हमारा रिजल्ट आया और आप पूछ रहे हो कैसे हैं हम। कोई बात नहीं सर, रिजल्ट ही तो आया है, कोई पहाड़ थोड़ा ना टूट पड़ा। आज से 15 दिन पहले सीए फाइनल का रिजल्ट आया और आज सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया। अब कुछ बच्चे पास हुए और कुछ बच्चे फेल हो गए। रिजल्ट है, पास होंगे कुछ फेल भी होंगे। सबसे पहले जो बच्चे पास हुए हैं, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम और उनके फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग बहुत तरक्की करो, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मुझे बात करनी है उन स्टूडेंट से जो लोग हो गए हैं फेल। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन उन लोगों से ये है कि सर, फेल क्यों हुए हो? व्हाई डू यू फेल? फेल होने का कारण सर, हमें खुद पता होता है कि हम फेल क्यों हुए हैं। हमें अंदर से पता होता है कि हमारी क्या कमी रही है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर बताएं कि हम फेल क्यों हुए हैं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानी रही, सो दैट मैं आप लोगों को उसका कुछ अपना रिजल्ट प्रोवाइड करा सकूं या उसके लिए कुछ आपकी हेल्प कर सकूं। तो सबसे पहले आप मुझे ये जरूर बताइए कि क्यों फेल हुए, क्योंकि हमें अंदर से खुद पता होता है कि हम फेल क्यों हुए। मेरा ये मानना है कि जो फेल होने का 80% कारण होता है वो हमारी खुद की मिस्टेक होती है। 80% जो हमारा फेल होने का कारण रहता है वो हमारी खुद की मिस्टेक होती है, और 20% मैं कह सकता हूँ कि हमारा डेस्टिनी और हमारा लक हो जाता है। लेकिन डेस्टिनी और लक भी तब साथ देता है जब हमने मेहनत करी हो। अगर हम मेहनत ही नहीं कर रहे और बोल रहे हैं कि हमारा बैड लक चल रहा है, बैड लक चल रहा है, तो ऐसा कोई बैड लक नहीं होता। लक भी तभी साथ देगा जब आपने मेहनत करी है। तो 80% तो हमारे मेहनत, हमारे एफर्ट्स, उसका रिजल्ट रहता है। देखिए, सबको पता होगा जो फेल हो गए हैं कि सर, या तो हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई, हमने पढ़ाई करी ही नहीं। पहली कैटेगरी तो वही निकल जाएगी जिन बच्चों ने पढ़ाई ही नहीं करी, अच्छे से तो छोड़ो, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। दूसरी कैटेगरी निकल जाएगी, सर हमने पढ़ाई तो करी लेकिन हम इतना सिंसियर, इतना सीरियस थे ही नहीं पढ़ाई की तरफ, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन थी, बहुत ज्यादा परेशानियां थी। और तीसरी कैटेगरी निकल के आएगी, सर पढ़ रहे थे लेकिन पढ़ने का तरीका नहीं पता कि हमें क्या से किस तरीके से पढ़ना है। सी का एग्जाम है, लाइटली ले लिया उस चीज को। हमें ये नहीं पता कि हमें क्या कवरेज रखनी है, कौन सी चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। तो ये तीन कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। अब देखिए, जो हो गया, बार बार उसको गाने से, बार बार उसको दोहराने से कुछ भी नहीं होगा। हमें अब फोकस करना है आगे आने वाले अटेम्प्ट पे, दैट इज योर मई 2020। अब आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि मुझे मई 2020 में जरूर डेफिनेटली निकालना है अपने एग्जाम को। रोने से कुछ नहीं होगा, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। देखो, परेशान होंगे तो आपको देख के आपके पेरेंट्स भी परेशान होंगे, तो कोई फायदा नहीं है। अगर कमी आपकी है, गलती आपके, तो आपका कोई हक नहीं बनता आप अपने पेरेंट्स को परेशान करो। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स को बोलो कि पापा मम्मी को बोलो कि कोई बात नहीं, मैं इस बार रह गया लेकिन अब मैं अगली बार डबल एफर्ट से, डबल मेहनत से अपने एग्जाम्स को निकालूंगा। मुझे आज भी याद है, मैं भी देखो आप लोगों की तरह मैं भी फेलियर रह चुका हूँ, मैं भी अपने फाइनल के एग्जाम्स में फेल हुआ हूँ। लेकिन मुझे आज भी याद है, जब मैं फेल होता था तो मैं अपने बड़े वाले मामा जी के पास बैठता था और वो मेरे को क्या समझाते थे, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करने के लिए ये बोलते थे कि वरुण तू एक शेर की तरह है। क्या है? एक लॉयन की तरह, एक शेर की तरह। जैसे शेर क्या करता है, शेर अपने शिकार के लिए जंप लगाता है, और अगर उसका शिकार उसके हाथों से निकल जाता है तो वो घबराता नहीं है। वो क्या करता है, वो 2 कदम पीछे लेता है और फिर दोबारा डबल एफर्ट से, डबल एनर्जी से जंप लगाता है। तो आप लोगों को भी उस लॉयन की तरह एक्ट करना पड़ेगा। आपने जंप लगाई, आपके हाथ में शिकार नहीं है, आपके हाथ में रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको 2 कदम पीछे लेना है, दोबारा एफर्ट्स लगाने हैं, दोबारा मेहनत करनी है, दोबारा टाइम देना है। लेकिन इस बार आपके एफर्ट्स भी डबल रहेंगे और आपका टाइम भी डबल रहेगा और आपकी एनर्जी भी डबल रहेगी। फिर आप जंप लगाएंगे, डेफिनेटली आपके हाथ में आपकी सक्सेस आ जाएगी। तो ये चीजें कुछ आप लोगों को करके चलनी पड़ेगी। 3 महीने आप लोगों के पास बचे हैं, दैट इज फेब, मार्च एंड अप्रैल। 3 महीने में अपनी जी जान से मेहनत कर दीजिए। पास हो जाएंगे तो सर बहुत कदर होगी, पास नहीं होंगे तो कोई भी कदर नहीं करेगा, कोई वैल्यू नहीं होगी। जी जान से मेहनत करिए, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर दीजिए। डिस्ट्रैक्शंस भी कई तरीके की होती हैं, सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन होती है, रिलेशनशिप की डिस्ट्रैक्शन होती है, उन सब चीजों को अवॉइड करिए। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल खत्म कर दीजिए, आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, लेकिन हर चीज का एक टाइम होना चाहिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो उस चीज को भी टाइम दीजिए, लेकिन प्रायोरिटी आपको अपनी पढ़ाई को रखनी पड़ेगी। अगर आप पूरे दिन में 12 घंटे पढ़ना चाहते हैं, 14 आवर्स पढ़ना चाहते हैं, तो 1 घंटा निकाल लीजिए सोशल मीडिया के लिए, 1 घंटा निकाल लीजिए अपने रिलेशनशिप के लिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 12 to 13 आवर्स
सिंसियरली और सीरियसली आपको पढ़ाई करके चलनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर कहीं कोई आपको स्टडी प्लान बना के नहीं देने वाला, क्योंकि स्टडी प्लान जितना आप लोग अपना बनाएंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, अगर आपको कुछ बनवाना है या मुझसे कुछ डिस्कस करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दूंगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में भी उसका आंसर दे दूंगा। मेरा ये मानना है सक्सेसफुल होने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत है, ये तीन पिलर्स होते हैं सक्सेस के। अगर ये तीन पिलर्स आप समझ गए तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। पहली चीज तो आपका हार्डवर्क, हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ लोग बोलते हैं सर हार्डवर्क आजकल नहीं चलता, स्मार्ट वर्क होना चाहिए, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। सर स्मार्ट वर्क जरूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी तभी आएगा जब आपने हार्डवर्क किया है। स्मार्ट वर्क होता क्या है? स्मार्ट वर्क इज वर्क को, काम को करने की स्मार्ट टेक्निक्स। अब काम को करने की स्मार्ट टेक्निक्स तो तब आएगी ना जब आपको काम करना आता है। और काम करना कब आएगा? जब आपने काम में हार्डवर्क किया है, काम में टाइम लगाया, काम को बार 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 करके देखा है, तभी तो आप उसमें कुछ टेक्निक डेवलप कर पाएंगे। तो पहली चीज आती है आपकी हार्डवर्क, हार्डवर्क जरूर करना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मींस कंटिन्यूअस आपको पढ़ाई करते रहना पड़ेगा। जब देखो दिक्कत क्या आती है, हम बहुत मोटिवेटेड रहेंगे। अब मेरी वीडियो देख के बहुत सारे बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे, और मोटिवेट होके वो दो तीन दिन तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और फिर दोबारा क्या हो जाएंगे, फिर दोबारा वो लेजी होने लग जाएंगे। ऐसा नहीं करना। आपको जो शुरुआत करनी है अब के बाद, आपको धीरे 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 करके शुरुआत करनी है। ऐसा ना हो कि कल से ही आप बोलो कि मैं कल मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, और आप पढ़ भी लेंगे 12 घंटे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। दो दिन तक आप 12-12 घंटे पढ़ भी लेंगे, लेकिन तीसरे दिन आप 3 घंटे पढ़ने में भी परेशान हो जाएंगे। धीरे धीरे करके बढ़ाइए, पहले अपने स्टडी प्लान को अच्छे से बनाइए, पहले अपना कोर्स कंटेंट लिख लीजिए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, अपना टारगेट डिसाइड कीजिए कि मुझे किस तरीके से मैं अपने ग्रुप को क्लियर कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सकता हूँ, किस सब्जेक्ट में मैं एग्जेम्पशन ला सकता हूँ, क्योंकि ये सब टेक्निक्स है, बिना एग्जेम्पशन के तो आपका ग्रुप क्लियर होने से रहा। तो टारगेट करिए वो सब्जेक्ट को कि मेरे को उस सब्जेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचते हैं मैं अकाउंट्स में एग्जेम्पशन लाऊंगा, तो टारगेट कर लीजिए, टाइम डिवोट कर लीजिए कि भैया अकाउंट्स में एग्जेम्पशन लानी है किसी भी हालत में, तो टाइम तो देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके पहले अपना प्लान बनाइए, अपना शेड्यूल बनाइए, और फिर आप 6 घंटे पढ़िए, फिर 8 घंटे पढ़िए, फिर 10 घंटे पढ़िए, फिर 12, धीरे धीरे करते जैसे जैसे आपके एग्जाम पास में आ जाएंगे, आप 14-15 आवर्स की भी स्टडी पीरियड को निकाल पाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा। ऐसा ना हो कि एकदम से सोच लो कि मुझे ये सब चीजें करके चलनी है, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, तो कंसिस्टेंसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूअस पढ़ाई होनी चाहिए। सीए के एग्जाम में तो सर कंटिन्यूअस स्टडी बहुत रेलेवेंट रहती है, क्योंकि इतने सारे प्रोविजंस होते हैं, टैक्स में इतने सारे प्रोविजंस है, लॉ में इतने सारे प्रोविजंस है, कितना चीजें हम रिटेन करके चलेंगे। तो ये कंसिस्टेंसी आप लोगों के लिए जरूरी। तो तीसरी चीज आती है हमारे सामने, पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है। आजकल के मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, सर पेशेंस नहीं है, पेशेंस की बहुत कमी है। आजकल की जो जनरेशन है वो ये चाहती है कि मुझे सब कुछ फटाफट मिल जाए, रातों रात मुझे पैसा मिल जाए, रातों रात मुझे सक्सेस मिल जाए। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, रातों रात कुछ नहीं होता। हर चीज के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, तो पेशेंस बहुत मैटर करती है आपकी चीज में। जैसे आपको, आपने फॉर एग्जाम्पल आपको किसी सब्जेक्ट से डर लगता है, लेट अस से आपको टैक्स से डर लगता है, और आप सोचते हो कि भाई टैक्स मैं पढ़ूं, 2 दिन में मेरे को टैक्स समझ में आने लग जाए, 3 दिन में टैक्स समझ में आने लग जाए। सर ऐसा हो ही नहीं सकता, जब तक आप उस सब्जेक्ट में टाइम देंगे ही नहीं, आपको सब्जेक्ट कैसे समझ में आएगा। तो पेशेंस तो रखनी पड़ेगी, एक टाइम पे एक बारी में कुछ भी नहीं होगा, कंटिन्यूअसली उसमें लगे रहो। डेफिनेटली आपको वो सब्जेक्ट का जो डर होता है, पर्टिकुलर चीज का डर होता है, वो डर आपके मन से निकल जाएगा। और एक बार अगर आपका डर निकल गया, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर योर एग्जाम्स। सर एग्जाम्स तो बहुत छोटी चीज है, लाइफ में तो पता नहीं किस किस तरीके के इम्तिहान आते हैं, किस किस तरीके के एग्जाम्स आते हैं, ये तो सिर्फ सीए एग्जाम्स हैं। सीए एग्जाम्स निकालो, आगे देखो आपकी लाइफ कितनी ब्राइट है, कितना ब्राइट आपका फ्यूचर है। ठीक है जी, खैर मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो मैं देखो यहाँ पर कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आया, मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट करूँ। हाँ ये है कि मैं आपको एक आपके बड़े भाई की तरह आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको कुछ समझा सकता हूँ। देखिए मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन तो मेरे हिसाब से कुछ होता नहीं है, बहुत सारी किताबें भी आती है, पढ़ लो अच्छी बात है, लेकिन टाइम वेस्ट करने वाली बात है, कुछ भी नहीं होता। सब कुछ होता है सेल्फ मोटिवेशन। जब तक आपके अंदर से ही कोई आवाज नहीं आएगी कि मुझे कुछ करना है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अपने अंदर से आवाज को लाओ, एफर्ट को बढ़ाओ, और डेफिनेटली अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस कर दो कि
मैं इस बार एग्जाम्स को क्लियर करके निकलूंगा, फिर देखना। अगर आप ये बोल भी दोगे ना तो उनके चेहरे पे देखना कितनी खुशी आ जाएगी, और देखना फिर रिजल्ट दे दोगे तो फिर खुशी का कोई पैमाना नहीं है, कितनी खुशी आ जाएगी। तो क्यों ना आप उनको खुश कर दो, अपने रिजल्ट से ही खुश कर दो। ठीक है जी, तो आई होप सो आपको कुछ समझ में आया होगा, तो आप अपनी आप एफर्ट्स को बढ़ाएंगे, एनर्जी लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है जी, चलिए फिर। कोई दिक्कत परेशानी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। अगर इस चैनल पे नए हैं तो गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती चली जाएगी। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।